पूछा था मैंने, कहा कि पवार साहब एक ऐसे नेता है जिनके ऊपर सर्वसम्मति हो सकती है, लेकिन इस देश के जो राज्यकर्ता होते हैं उनका मन बड़ा होना चाहिए, ये बड़े मन वालों की बात है। मैंने इतना ही कहा था, अगर देश को राष्ट्रपति चाहिए तो शरद पवार साहब है, अगर रबर स्टैम्प चाहिए तो बहुत लोग क्यू में खड़े हैं। ट्वीट का और इस पहल का स्वागत करता हूँ कि कभी हमारे प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ जॉब देने की बात की थी एक साल में, फिर भारतीय जनता पार्टी ने यही आंकड़ा 5 करोड़ तक बढ़ाया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि हम 10 लाख अच्छा 10 लाख की बात की है, तो 10 लाख की बात पर कायम रहे। अगर 10 लाख लोगों को नौकरी मिलती है तो ज़रूर हम उनका स्वागत करेंगे, इतने वाली बात नहीं है। अगर किसी को रोज़गार मिलता है, रोज़गार देने की बात होती है, तो सरकार की इस पहल का स्वागत तो नहीं यहाँ आ रहे हैं ना। हम तो, आपको पता होगा, इस आंदोलन से, अयोध्या के आंदोलन से जुड़ा हुआ हमारा पक्ष शिवसेना है, बालासाहेब ठाकरे तब से शिवसेना का यहाँ आना जाना है। और जब महाराष्ट्र में हमारी सत्ता नहीं तब भी उद्धव ठाकरे आए थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आशीर्वाद देने के लिए आए थे, हम तो हमेशा आते हैं। तो आदित्य ठाकरे से यहाँ आने का कोई राजनीतिक मतलब मत निकालिए, 2 साल से प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन कोविड का काल था, थोड़ा सा माहौल ख़राब था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तो हमको लगा कि हमको एक बार रामलला का दर्शन लेकर महाराष्ट्र में नए काम के लिए शुरुआत करनी चाहिए। सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, देश के सभी जो राजनीतिक दल हैं सभी ने हमलावर होना चाहिए, लेकिन लगभग सभी इस देश के राजनीतिक दल और नेता जो सच बोलने की कोशिश करते हैं, जो सरकार को सवाल पूछते हैं, उन सभी के ऊपर आज के सत्ताधारी केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से हमले कर रही है या उनको उनका छल किया जा रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।